हिमाचल प्रदेश में सरकार केंद्र द्वारा नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए तय की गई सीमा से पहले ही शुरू करने के पूरे प्रयास में जुट गई है। यह बात मंडी में गुरुवार को नई शिक्षा नीति पर आयोजित संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के उपरांत प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। उन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की एक तय समय सीमा रखी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह प्रयास रहेगा कि तय सीमा से पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश के हर स्कूल में लागू किया जाए। इसके साथ ही इसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के प्रयास जारी है, जिसमें अधिकतर स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं का संचालन, प्रदेश में प्री प्राइमरी कक्षाओं को आरंभ करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही में उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत हर घर पाठशाला के माध्यम से बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर बच्चे को बेहतर और गुणात्मक शिक्षा मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार पूरा प्रयास कर रही है। देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए भारत सरकार ने भी और हिमाचल सरकार ने भी अपने कुछ समय सीमा निर्धारित की है, और हिमाचल प्रदेश सरकार का जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक प्रयास ये है कि हमने जो समय सीमा जो भारत सरकार से बांधी, हम उससे पहले कुछ चीज़ों को करने वाले हैं और जिनको हमने प्रारंभ किया भी है। और अभी हमने क्लास तीसरी, पाँचवीं, आठवीं की परीक्षाएँ बोर्ड के द्वारा होनी चाहिए, यह हमने निर्धारित किया है। हमने प्री प्राइमरी एजुकेशन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है और लगभग अभी 4,500 स्कूलों में यह हमारा काम चल पड़ा है। और हमने कहा है कि स्कूलों के खुलने के साथ साथ ये सब भी है कि हमारी ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रारंभ रहेगी, और साथ में हम यह है कि ऑफलाइन एजुकेशन भी प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये सब का सब हमारा काम चलता जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में हमने हर घर पाठशाला के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई को बहुत सफलतापूर्वक तरीके से हमने इसको चलाया है। और फिर अभी हमने ये भी कहा है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, और इसीलिए 430 स्कूलों में हम समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो स्मार्ट क्लासेस को हम प्रारंभ करने वाले हैं, और अभी इस वर्ष में हमने 480 और स्कूलों के लिए मंजूरी कराई है जहां स्मार्ट क्लासेस हमारी चलेंगी। और उसी तरह से हमारे जो ICT क्लासेस हैं वो भी हमारी चल रही हैं, और 111 को हम ऑलरेडी मंजूरी दिलवा चुके हैं, 1000 हमारी अभी और भी ऐसी क्लासेज हमारी चलेंगी, तो इसलिए उस दिशा में भी हम। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। विश्वास जिम्मेदारी का, यकीन एक नई शुरुआत का, शुरुआत एक नए एहसास की, एहसास सुकून का, अपनेपन का। नए रिश्तों वाली फीलिंग बयां नहीं होती, सिर्फ एक्सपीरियंस की जाती है। जैसे गोयल मोटर्स मारुति सुजुकी अरीना, नए रिश्तों की शुरुआत नाउ इन सोलन एंड शिमला।